दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद इरफान तो सर यूट्यूब चैनल आर जे इरफान मलिक। सुबह सुबह मेरा भाई सुबह सुबह से घास कटे से घास कपन बांध मेरे अपने घर घर में तैयारी आराम रजुला भाई सीटें बैठे भी सारा बाजार लोग सीटा तू कप के रख दीते ताकि सोका से वाल थ्रेशर लगे सर अच्छा, क्या हाल है तेरा? क्या बोल रहे हैं? अच्छा तो वैसे ठीक है ना? ये तकरीबन घर तो तकरीबन 2 किलोमीटर फासले जैसे घास गिदा है मूल क्योंकि सर अपना घास है क्या नहीं वजह ना सुबह सुबह घास कटने वास्ते ना इन को लड़ने दे पैसा और पैदा रहा मन देने घर वाले। माशाल्लाह सर इलाके दे रेतले टीले बहुत ही खूबसूरत ते भैया तू सर ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक तो कुछ सलामत रखे। हाँ दूजे दीवार दांत खराब था उदन थोड़ा जे तो एक मुसवाक घिनने सारा इलाका कितना ही खूबसूरत है देख गिनो बड़ा प्यारा लगता पै रेतले टीले सुबह सुबह घास कटे से ना भाई भाई उन्होंने को मैं कि तुसा मोटरसाइकिल छेक के वजो तो मैं इतों टिब्बे के बच्चों आता पाया। उम्मीद यह है कि मैं तकरीबन रस्ते दे उन्होंने को पहले पहुँचा उलू भी आते पैन तो गोभी लिखे ने मैं तकरीबन शार्टकट रस्ता इस्तेमाल किए तो उलू आते पैन इलू सारे इलाके मतलब गुलाम नबी साहब ट्रैक्टर ना हल बहते वे दो चार बच्चे भी नाल उन्होंने जी दे देता हूँ ट्रैक्टर आ गए। अस्सलाम वालेकुम क्या जी गिरवारी कर तो पता है फसल के मौसम आ चुकी है हर बंदा गन्ना दे रहावण की तैयारी करता पे ये वजह ना इन टाइम हर कोई बंदा बिजी है क्योंकि अपना रकबे की तैयारी करता पे और मुख्तलिफ तरह के काम जो होने करने तो बाद इंशाल्लाह सारे अपने काम कंप्लीट करते पे क्योंकि मौसम आ चुकी गन्ना का ये वजह ना लोग जो है ना अपने रकबे बिल्कुल तैयार कर सी तैयार करने के बाद वाल काम कर सकते लोग खज्जा वगैरह भी मुंडू पा सकते आओ साढ़े सीनियर रहनुमा मलिक अदनान भट्ट साहब देखिए तशरीफ देना मेरा ख्याल है टिब्बे तो ट्रैक्टर चढ़ता ना हा ये वजह ना ली ना एक लहा दिते भाई टिब्बे मोटरसाइकिल नहीं मार सकता खा बहुत ज़्यादा वजनी है तू सब पैदल आ देना ये वजह ना ले हूँ पैदल वजह खुशबू खुश थी कि उंगल तो बह गए मोटरसाइकिल लेकिन उन्होंने लहा दिते भाई ने ये पे दोस्तों लोगों ने अपना घास वगैरह की बिजाई कर दी खूबसूरत घास निकलिया पे क्योंकि छोटा एक पहला नंबर खाद लग सी पानी लग सी वाल को अपने रूटीन ने चासी ते उन तो बाद सारे अपने घास की क्या रूटीन है तो पहले वीडियो दिखा चुके हैं तो बाद सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर गिनसो और जिन्हें सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्या नहीं किया वो जल्दी जल्दी सारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तो वाल करना शुरू वीडियो क्या गाना तो को पसंद है मैं तो बिल्कुल पसंद कर नहीं जी दोस्तों सब पहुँच चुके हैं हूँ एक दोस्त दे कोल उनके रकबे तो उन आके बाजरी सारे को भी खड़ी अगर घेना चाहो तो बाजरी घेना तो को तो सब कमेंट से दस सो क्या बाजरी असं घिंदे पे हैं क्या अच्छी है या नहीं क्योंकि मैं कुत्ते बड़ी अच्छी लगती पी है देते पे कारम घा भी बिच मौजूद है तो बाजरी भी जबरदस्त सा भी खड़ी है बिल्कुल क्योंकि जानवर को बड़े खुशी खा सकते हैं मेरा ख्याल है मकई के बिच राधी है मकई भी इन शामिल है बड़ा ही खूबसूरत घा है ते लेकिन इन्हें मेहनत भी की है
इन्हें कोई शक नहीं, मेहनत जरूर की है। एडे थे पो कितना खूबसूरत सावा सुरीला घा, गपे ने भी चस आवे तो मार गते ने भी चस आवे घा। मेरे को तो चंगा लगता पा, तू सा दसो हूँ किमें अच्छा है। मेरे को लगता तू लोग कपे आए भी है, लोग मोल गिद्धी भी खड़े जड़े कपे पेन दे पे। बाजरी बहुत बड़ी थी गई, लेकिन मकई दा जिहड़ा है, मकई दा घा वो छोटा रह गया। तो लेकिन मेरे देखने 250 रुपये मरले नाल भी देवन तो कबूल है, क्योंकि अच्छा घा है। देखो कितना ही खूबसूरत घा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा पहले घा तो दिखाया था जितू कपे पैसे जितू कप के आए हैं, वो घा मेरे को जरा कमज़ोर लगता है, क्योंकि वो रेट भी होता इतना मुनासिब भाई, मुनासिब रेट तो गिदे क्यों 120 रुपये मर रहा है तो पता है तक कश भी नहीं मिलती क्यों ना ये वजह ना ले। घास वगैरह मेरा ख्याल तैयार है, इन्ना मेरा ख्याल है ये वेचण वास्ते खड़ा रहा है। जरा अगला घा तो दिखे ने वो घा मेरा ख्याल है चे सीटा उतू कापियन सन घा मोल बिचे सन, वो तकरीबन 150 इतवार आते, क्योंकि घा वो भी बेहतर है। इन्हें को घाट कम बेहतर है, वो तो दिखे ने अगर ते घा अच्छा है अलहमदुल्ला। देख दे कितना खूबसूरत घा है, पहले खुशबू मैंने इसकी खुद पर तारी की, पहले खुशबू मैंने इसकी खुद पर तारी की, फिर मैंने इस फूल से मिलने की तैयारी की। इतना दुख था मुझको तेरे लौट के जाने का, मैंने घर के दरवाज़ों से भी मुँह मारी की। मैं उम्मीद करना कि तक मेरी पोइट्री अच्छी लगी होगी, अगर पोइट्री अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर सो। हूँ तो बात आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। मैं रब से रबते में रहता, मुमकिन है कि उससे रबता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे जब जाके वो फ़ोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नज़र अगर पड़ती, मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नज़र अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। आपको ये पोइट्री अच्छी लगी है ना, इंशाल्लाह अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको तरह तरह की वीडियो जो अपलोड करता हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहेगा, आप इंजॉय कीजिएगा। देख पे हो कितना खूबसूरत घा है, खुदा की कसम मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। बस मेरे बस में नहीं, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ करता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ करता। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा करता, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं कर सकता तेरी बात क्या करता। जी दोस्तों असों बह पहुँचे पहुँच गए हूँ भाई बाथरे के कोल, ये भी तो कोई दिखे ने, ये मेरा ख्याल है पकाऊ खड़े, क्योंकि इन देते पे हो कोई घास सब्ज कह नहीं खड़ा, सब्ज चारा इनके को बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सिट्टा है या ये बाजरी है, क्योंकि ये मेरे मेरे को लगता ही है कि इन्हें पकाऊ वास्ते खड़े खड़े तो इधर सिट्टा कप गए सन। ये मेरा ख्याल 120 रुपये नाल 150 रुपये नाल इन तरीके उतलू कप बेच छुड़े सन, लोग कप पे सन। ते कितना ही खूबसूरत बाजरा है, मेरे को तो बिल्कुल ये भी पसंद है, लेकिन जितने मुद्दत तक इंदा सिट्टा खड़े वो तो मेरे को उम्मीद है कि बिल्कुल